नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आरओ एआरओ का जो टॉपिक चल रहा है उसमें यह फिफ्थ टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। तो ये पृथ्वीनाथ पांडे की बुक है सामान्य हिंदी, वहीं से डिस्कशन हो रहा है। तो आपको टेलीग्राम, अगर एमसीक्यू सॉल्व करना है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले सीधे डिस्कशन करते हैं। तो विशेषण, सबसे पहले समझिए विशेषण क्या होता है, इसके भेद हैं, जो कि भेद से क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए विशेषण से संज्ञा देखिए, विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। अब संज्ञा के साथ अगर बात करें तो अगर सा लगा देंगे, नामक लगा देंगे, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर जो है विशेषण बनाते हैं। उदाहरण के लिए बात अगर हम कर ले यहीं पर तो फूल सा शरीर, अर्जुन नामक पुत्र, गृह संबंधी, मोह रूपी अंधकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। अब इसकी डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है डिफिनेशन के फॉर्म में भी देता है और ऐसे नियर अबाउट रहेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। उसके बाद उदाहरण की बात करें, संज्ञा से अगर बात करें तो पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी और भी शब्द हैं। सर्वनाम से हो जाएगा इतना, कितना, आप वाली, और क्रिया से चले बात करें तो चलती गाड़ी, क्रिया मतलब जो कार्य कर रहा हो, चलती गाड़ी, खाया, मुंह, नृत्य करने वाली, तरुणी, पढ़ता, सुग्गा आदि है। और अव्यय से बात करें, बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। अब सर्वनाम की तरह जो होते हैं विशेषण का भी प्रयोग होता है, जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यहाँ तो एक आता है एक जाता है। अब विशेषण के कार्य की बात करें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार्य की बात करें कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की क्या विशेषता बतलाना, जैसे राम स्वस्थ है, यहाँ पर क्या हुआ कि विशेषण जो होगा स्वस्थ व्यक्ति राम की विशेषता बतला रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, विशेषण क्या है यहाँ काला, अब विशेषता किसकी बता रहा है, घोड़े की। चांदी चमकदार है, विशेषण क्या है, चमकदार है यहाँ पर, और चांदी की विशेषता बता रहा है। अब वहीं पर किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की हीनता बतलाना, जैसे खूनी आदमी, विशेषण क्या है, खूनी, हीनता बतला रहा है। चोर को मत बैठने दो, विशेषण क्या है यहाँ पर, चोर, हीनता बतला रहा है। और बीमार वृद्ध, विशेषण क्या है, बीमार, अहीनता को बतलाता है। अर्थ सीमित करना है अगर, जैसे कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की अर्थ सीमित करना, जैसे खेलते बच्चे, केवल खेलते बच्चों तक सीमित अर्थ है। पढ़ते छात्र, केवल जो है यहाँ पर पढ़ते छात्र तक सीमित अर्थ है। फसल काटते कृषक, केवल जो है यहाँ फसल काटते कृषक तक ही सीमित अर्थ है। संख्या का बोध जो होता है, जैसे 11 खिलाड़ी, यहाँ पर 11 संख्या बोधक है, 10 मजदूर, 6 बालक, तो ये सब संख्या बोधक। और मात्रा की बात करें तो 5 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा। अब जो क्वेश्चन आते हैं ये विशेषण के भेद से आते हैं। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो चार भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहते हैं। इतना अगर ना भी पढ़ें तो अगर हम देखें यहाँ पर गुणवाचक विशेषण बात करें तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें हम तो भला, बुरा, पापी, सरल, दुष्ट, आसमानी, लाल, पीला, काला, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, बाहरी, ऊपरी, अब लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, ढेला, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा, ये सब जो है गुण बता रहे हैं किसी के, किसी का आकार बता रहा है, किसी का दशा बता रहा है, किसी का अवस्था बता रहा है, किसी का रंग बता रहा है, किसी का रूप बता रहा है। अब संख्यावाचक में ही आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 3 लड़के, चतुर्थ वर्ग, 10 गुणे लोग, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर, प्रीवियस ये सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा। जैसे गणना बोधक होता है, क्रम बोधक होता है, आवृत्ति बोधक होता है, समुदाय बोधक होता है, प्रत्येक बोधक। अब गणना बोधक में क्या होता है कि यह वस्तुओं की गणना बदल जाता है, जैसे 7 अमरूद है। क्रम में क्या है कि
यह क्रम के अनुसार गणना होता है, जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी। आवृत्ति बोधक में यह होता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से आधिपत्य का अनुपात बतलाता है, जैसे चौगुना, सौ गुना, दूध से दुगुना पानी है। और समुदाय बोधक में क्या होता है कि जैसे समुदाय का बोध कराता है जो संख्या, जैसे तीन, तीनों लड़के, सात घर, सातों घर, दोनों भाई, पांच, पांचों बहने। अब प्रत्येक बोधक की बात करें तो यह अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। संख्या बोधक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्वेश्चन इसके जैसे संख्यावाचक विशेषण से पूछ लेता है। उसके बाद बात करें तो हम परिमाणवाचक विशेषण की, तो जैसे इसमें क्या होता है, परिमाण मतलब माप तौल की विशेषता बतलाएगा जो बोध कराएगा, तो परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल, और भी है। इसमें भी दो भेद हैं, जैसे निश्चित होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। निश्चित में क्या होता है कि चार शेर दूध है, डलिया भर आम है। अब अनिश्चित में क्या हो जाएगा कि थोड़ा दूध है, थोड़ा पानी, कितना पानी है, कितना दूध है ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा है, अधिक चीनी है। अब सार्वनामिक विशेषण में जैसा कि हमने पहले बताया कि संकेत वाचक भी कहते हैं इसे, तो इससे क्या होगा कि इस सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। जैसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह लड़का हमारे विद्यालय, विश्वविद्यालय का है। जैसे यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होगा कि यह होता है, यह हो गया, वह हो गया, तो ये सब जो है। अब जैसे कि यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बता रहे हैं, और ये जो है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर प्रा विशेषण भी लिखा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है विशेषण और विशेष। अब विशेषण और विशेष इसलिए पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब विशेष, विशेष किसे कहेंगे, तो विशेषण के प्रयोग से, जब विशेषण का हम प्रयोग करते हैं तो जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है, उसे जो है व्याकरण शब्द में बात करें तो उसे, उस संज्ञा को व्याकरण शब्द में विशेष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, काला घोड़ा दौड़ा, तो इस वाक्य में जो काला है वो तो विशेषण है, जैसा कि आपको पहले भी पता बताया गया इसमें, तो और उसकी जो संज्ञा है घोड़ा है वो हो जाएगा विशेष। आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि विशेष किसे कहेंगे और विशेषण किसे कहेंगे। तो यहाँ पर काला घोड़ा दौड़ा का मतलब हो गया काला जो है विशेषण हो जाएगा, और घोड़ा जो है संज्ञा है, तो ये जो है घोड़ा आपका विशेष हो जाएगा। विशेष के साथ, यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है, विशेषण विशेष के साथ उसके पहले आता है, अथवा विशेष के बाद विधेय क्रिया जिसे बोलते हैं के साथ रहता है। पहली स्थिति में जब होगा तो विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं, और दूसरी स्थिति में जब होगा विधेय विशेषण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो सूनी जगह में भय लगता ही है, तो इस वाक्य में जब आप देखेंगे तो जगह जो है विशेष हो जाएगा और उसकी विशेषण जो हो जाएगी सूनी। आप देखिए, जगह जो है स्थान का बोध करा रहा है, मतलब संज्ञा हो गया, लेकिन जो विशेषता हो रही है यहाँ पर, विशेषता विशेषण जो बात करें तो सूनी हो जाएगी। उसके पहले होने के कारण जो है विशेष विशेषण यह हो जाएगा। अब ठीक, यह जगह सूनी जान पड़ती है। अब इसी यहीं पर ले लीजिए, तो फिर देखिए कि जगह विशेष जो है कि जो है जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ आ रहा है। अब देखिए, जगह स्थान हो गया, इसके बाद आ रहा है सूनी, तो इसका मतलब है विशेष विशेषण हुआ, और विशेष विशेषण की अतिशयोक्ति प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। अब जगह के बाद विशेषण, ठीक है, सूनी क्रिया के साथ है, तो विशेष विशेषण हुआ। अगर आप थोड़ा सा जान मतलब समझ पा रहे हो तो यहाँ पर देखते रहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर अब बात करते हैं, उदाहरण से ही आपको क्लियर होगा, ऐसे नहीं क्लियर होगा। ठंडी ठंडी हवा मादकता उत्पन्न कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर उदाहरण की बात कर लिया। चलिए, अब जैसे यहाँ पर बहुत के आधार पर बात कर रहे हैं, तो विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत विशेषण रखना शुद्ध होता है, शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, कोई भी इसमें से एक रखेंगे। बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण, इसमें से एक रखेंगे। अब देखिए, विशेषण और विशेष में संबंध, तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब विशेष विशेषण अभी जो कि हमने ऊपर जिक्र भी किया, तो उसमें कहें तो विशेष के पहले आने वाले विशेषण जो है विशेष विशेषण कह लेते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ जो काला था विशेष विशेषण है, घोड़ा से पहले आ गया काला, तो इसीलिए संज्ञा से पहले जैसे घोड़ा है तो उससे पहले आ गया विशेषता काला। मनीष चंचल लड़का है, यहाँ चंचल जो है, चंचल, ये देखिए चंचल,
लड़का से पहले विशेषता बता रहा है और यहाँ देखिए विशेष विशेषण है, गुड्डी सुशील लड़की है, सुशील सुशील यहाँ पर विशेष विशेषण हो जाएगा। अब विधेय विशेषण की बात करें तो विधेय के बाद विशेष के बाद सॉरी और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, यहाँ काला जो होगा विधेय विशेषण होगा। मेरी स्कूटी नई है, यहाँ पर नई हो जाएगी विधेय विशेषण। मेरी गाय सीधी है, मतलब तो सीधी विधेय विशेषण होगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे आए। जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है, नीतू भली लड़की है। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होगा। जैसे अच्छी कलम और कागज, दयालु पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। अब विशेषणों की रचना इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रत्यय लगाकर अगर संज्ञा में लगा देंगे तो विशेषण हो जाएगा। जैसे धर्म है तो उसमें प्रत्यय इक लगाएंगे तो धार्मिक हो जाएगा, यहाँ देखिए धार्मिक हो गया। इला है तो चमक में इला प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब आगे लग जाता है, चमक में लगा देंगे तो चमकीला हो जाएगा। इक मुख, मुख में लगाएंगे तो मौखिक हो जाएगा। ई गुड़ में लगाएंगे तो गुड़ी हो जाएगा। अर्थ में अगर इक लगा देंगे तो आर्थिक, धन में अगर वान लगा देंगे तो धनवान, जाति में अगर ई लगा देंगे तो जातीय, ये सब प्रत्यय लगा रहे थे। अब देखिए दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे भला बुरा मतलब भला बुरा हो गया, दुबला पतला, दुबला प्लस पतला हो जाएगा तो दुबला पतला हो जाएगा, छोटा प्लस बड़ा हो जाएगा तो छोटा बड़ा। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर अगर बनाए विशेषण तो पूज्य प्लस अनीय प्रत्यय लगाए हम तो पूजनीय हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। देखें यहाँ पर लगाए बाद में प्रत्यय। अब पठ प्लस नीय पठनीय हो जाएगा विशेषण। अव्यय में लगाएंगे अगर प्रत्यय तो अंदर प्लस ऊनी, अब ऊनी जो प्रत्यय लगाए तो अंदरूनी हो जाएगा, बाहर प्लस ई बाहरी। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम। जैसे एक वचन है बहुवचन है तो वह बालक, वे बालक, उस लड़के का, उन लड़कों का, तो अतुलनात्मक इसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं, अब आदर्श विशेषण है इसको भी नहीं, लेकिन जो बात अब यहाँ देखिए विशेष है उसको विशेषण में कैसे बनाते हैं इसको ध्यान में रखें, क्योंकि यहीं से सीधे क्वेश्चन आता है। जैसे अग्नि हो जाता है विशेष तो आग्नेय हो जाएगा उसका विशेषण, अधिकार आधिकारिक, अध्यात्म आध्यात्मिक, अनुमान अनुमानित हो जाएगा विशेषण उसके, अनुवाद का जो अनुवाद तो विशेष हो गया, अनुदित हो जाएगा इसका विशेषण, अनुराग अनुरक्त, अपमान अपमानित। यहाँ देखिए अपेक्षा विशेष है, यहाँ पर अपेक्षित विशेषण हो जाएगा। अवरोध की बात करें अगर हम तो विशेषण उसका हो जाएगा अवरुद्ध, आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक, आदर का विशेषण हो जाएगा आदरणीय, आधार का आधारित, आन का आनी, आरंभ का आरंभिक। उसके बाद बात करें हम आराधना, यहाँ पर अगर बहुत लोग कंफ्यूज हो तो प्रत्यय और उपसर्ग ये पहले लग जाएगा, शब्द के पहले जैसे लगता है, ये शब्द के बाद में लगता है। जहां तक कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने उपसायक एक लाइन गलत बोल दिया था, इसलिए मैं यहां पर बताना उचित समझा। ठीक है, देखिए इच्छा इच्छित ऐच्छिक भी होता है उसका विशेषण। इनाम विशेष हो गया इनामी, देखिए इनामी यहां पर अब देखिए प्रत्यय लगा है, इनामी इनामी हो जाएगा। ईश्वर विशेष है ईश्वरीय, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, उत्तेजना उत्तेजित, उत्साह उत्साही, उपन्यास औपन्यासिक, उपासना उपास्य, उपेक्षा उपेक्षित, ऋषि आर्ष, एकता एक, ओज की बात करें हम ओजस्वी हो जाता है विशेषण उसका। औरत का विशेषण हो जाएगा औरताना, ये पूछ सकता है। अंकुर अंकुरित, अब देखिए औरत का औरताना। अंत अंतिम, अंतर आंतरिक, अंचल आंचलिक, कथन कथित, कपट कपटी, कल्पना काल्पनिक हो जाएगा विशेषण इसका। कागज का विशेषण हो जाएगा कागजी, काया का कायिक, कांटा का कटीला, किताब का किताबी, किस्मत का किस्मतवार, कुत्सा देखिए कुत्सा लिखा है यहाँ पर, कुत्सित, कुकर्म कुकर्मी, कृपा कृपालु, खर्च खर्चीला, खतरा खतरनाक, खपड़ा खपड़ायल, खान खनिक, गमन गत, ग्राम ग्रामी या ग्रामीण, गुड़ गुड़ी, गुलाब गुलाबी।
विशेषण, विशेष जो पहले बोल रहे हैं विशेष है वो, और उसकी जो विशेषण हो जाएगा उसको बाद में हम बोल रहे हैं। जैसे विशेष हो गया घर, अब उसका विशेषण हो जाएगा घरेलू। घास का विशेष विशेषण हो जाएगा घसियारा। घेड़ा घेड़ित। चंद्र चांद्र। चंपा चंपाई। चरित्र चारित्रिक। छवि छबीला। जटा जटिल। जल जलिए। जवाब जवाबी। जंगल की बात करें जंगली हो जाएगा। जागरण, जैसे कुछ लोग बोलते हैं जंगली हो एकदम से, तो जंगल मतलब वो विशेष बता रहे हैं उसकी, उसका विशेष हो जाएगा जंगल। जागरण की जागृत या जागरूक। झगड़ा झगड़ालू। टकसाल टकसाली। आप ध्यान देंगे तो लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर हमेशा विशेषण ही बोलते हैं, विशेष शायद ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर विशेषण ज्यादा प्रयोग होता है उसमें। ढंग मतलब ठंड, ठंडा हो जाएगा। जैसे ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत कम ही लोग बोलते हैं, लेकिन ठंडा है मौसम, ठंडा है ये ज्यादा बोलते हैं। ठंड। दंड, दंड यहाँ पर है, डंडा हो जाएगा। डाक डाकिया। डोरा डोरिया। त्याग त्यागी या त्याज्य। तंत्र तांत्रिक। तंद्रा तंद्रिल हो जाएगा इसका विशेषण। तालुका तालव्य। तेज तेजस्वी। तृप्ति तृप्त हो जाएगा। थकान थकान मतलब थकान। थकित या थका। दगा की बात करें दगाबाज हो जाएगा इसका विशेषण, और दगा जो हो जाएगा विशेष। दंपत्ति दाम्पत्य। दया दयालु। दशरथ दासरथी। दाह दग्ध। दिन दैनिक। दंत दंत्य। धन धनी। धर्म धार्मिक। धुंध धुंधला। धूम धूमिल। अब नमक का नमकीन हो जाएगा विशेषण। नगर का नागरिक हो जाएगा। न्याय का न्यायिक हो जाएगा। निर्माण का निर्मित हो जाएगा। नियोजन नियोजित। निष्ठा नैष्ठिक या निष्ठावान। पठन पठनीय। पतन पतित। पराजय पराजित। परीक्षा परीक्षित। परिवार का पारिवारिक हो जाएगा। पशु का पाशुक हो जाएगा। पक्ष का पाक्षिक हो जाएगा। पंक का पंकिल हो जाएगा। प्रकृति का प्राकृतिक। प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित। प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित हो जाएगा। प्रथम का प्राथमिक। प्राची का प्राच्य। प्राण का प्राणद। प्रार्थना का प्रार्थित। पाठ का पाठ्य। पान का पेय। पिता का पैतृक। पुस्तक का पुस्तकीय। पुष्प पुष्पित। पुराण का पौराणिक। प्रेम का प्रेमी। फल का फलद या फलप्रद। फेन का फेनिन। बसंत का बासंतिक। बाजार का बाजारू। बुद्धि का बौद्धिक। भ्रम का भ्रमित। भूमि का भौम। भूगोल का भौगोलिक। भूत का भौतिक हो जाता है विशेषण। भीख का भिखारी। मन का मानसिक। मर्म का मार्मिक। मनु का मानव। मगध का मागधी या मागध। मर्द का मर्दाना। मजा का मजेदार। मानव का मानवीय। माता का मातृक। मामा का ममेरा। माल का मालदार। मांस का मासिक। माह का माहवार। मांस मांस का मांसल। मूल का मौलिक। मौसा का मौसेरा। यश का यशस्वी। रक्त का रक्तिम। राजनीति का राजनीतिक हो जाएगा विशेषण। राज का राजकीय हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय। रुद्र का रौद्र। रंग का रंगा। रूप का रूपवान। रोब का रोबीला। रोमांच का रोमांचक या रोमांचित। लज्जा का लज्जालु। लक्षण का लाक्षणिक। लोक का लौकिक। लोभ का लोभी या लब्ध। लोहा का लौह। बंधन का वंदनीय। वन का वन्य। वर्ण का वर्णित। वत्स का वत्स। वर्षा का वर्ष का वार्षिक। वस्तु का जो विशेषण हो जाएगा वो वास्तविक हो जाएगा। वायु का वायव्य। विकार का विकृत। विकास का विकसित। विधान का जो विशेषण होगा वैधानिक। विवाह का वैवाहिक। विष्णु का वैष्णव। वेद का वैदिक। शक्ति का शाक्त। श्रद्धा का श्रद्धेय। शासन का शासित। शिव का शैव। शोषण का शोषित। संस्कृत का संस्कृति। संपादक का संपादकीय। संदेह का संदिग्ध। संक्षेप का संक्षिप्त। सभा का सभ्य। समर का सामरिक। सम्मान का सम्मानित। साहित्य का साहित्यिक। समुद्र का समुद्री। सोना का सुनहला। हठ का हठी। हल का हलंत। हंसी का हड़ोस या हसमुख। हिम का हेम। हृदय का हार्दिक। क्षमा का क्षम्य। क्षार का क्षारीय। तो थैंक यू। इसका हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें ज्यादा क्लियरेंस आएगा, ठीक है। थैंक यू।